अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक हैं? सीधा जाओ, जब आप राइट आते हो ना तो सिर्फ अपने सामने देखना होता है, वो आपकी लाइन टच ना हो जा, क्योंकि राइट आने से पहले तो आपने देख लिया ना उधर से गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, बस बात खत्म हो गई। फिर आप सामने देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है एग्ज़ाम का, प्रोफेशनल ड्राइविंग स्कूल। अब आपने सिग्नल से लेफ्ट जाना है, इंडिकेटर ऑफ करो वाली। जब आपको यहाँ से एग्जामिनर कहेगा ना सिग्नल से लेफ्ट जाओ, तो आपने यहाँ पर इंडिकेटर नहीं लगाना है अभी, क्योंकि हम इसी लाइन से लेफ्ट जाएंगे। अगर हम यहाँ से इंडिकेटर लगाएंगे तो पीछे वाला समझेगा आपने लाइन चेंज करनी है। जब ये वाइट लाइन स्टार्ट होती है ना, वहाँ से इंडिकेटर लगाओ, ठीक है? पहले लगाने की ज़रूरत नहीं है इधर। और हम देखो आउटर लाइन में है, उधर भी हमारी यही लाइन बनेगी, ये याद रखना है आपने। अगर आपने वहाँ पर, ये देखो मेरा हाथ, कुछ लोग कैसे जाते हैं ना, ऐसे जाते हैं, कुछ ऐसे जाते हैं, मतलब गाड़ी आपकी बिल्कुल सीधी आनी चाहिए उधर, ये याद रखो। जब आप निकलोगे फिर आपने एरिया टारगेट करना आप, और ये गाड़ी अगर इधर से भी कोई लेफ्ट जाएगा तो उसकी जगह छोड़नी है हमने। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो हम इधर से लेफ्ट भी जा सकते हैं और यू टर्न भी कर सकते हैं यहाँ से हम। चलो शाबाश, नहीं जाओ अभी, हाँ कोई बात नहीं। देखो पहले आपने गाड़ी बाहर निकालनी है, फिर आपने एरिया में सीधी करनी है गाड़ी आपने, ठीक है? नहीं नहीं, आउटर आउटर है ना, फुल आउटर है, ऊपर जाना है ना, यू टर्न इधर तो यू टर्न है ना। अच्छा जी, मुझे क्वेश्चन हुआ था कि 60 की स्पीड में क्या हम 60 की स्पीड का रोड है और सामने गाड़ी स्लो जा रही है तो क्या हम ओवरटेक कर सकते हैं? देखें, ये डिपेंड करता है कि वो अगली गाड़ी कैसे जा रही है। जैसे लाइक 60 की स्पीड है तो 40 तक अगली गाड़ी जा रही है तो आप ओवरटेक नहीं करो, एग्जाम की बात कर रहा हूँ।